गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। माइसेल्फ प्रियंका शर्मा, आई एम योर साइंस टीचर, क्लास 4। चिल्ड्रन, एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1, प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। सो लास्ट टॉपिक इज, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। लेट्स राइट 6, डिस्कस शेयर एंड वी केयर। पेज नंबर 9 पे आपको ये दिया हुआ है पार्ट। आज हम ये डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपको राइट करना है नोटबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई सिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। What happens to the food prepared by plants? Plants जो food prepare करते हैं उसका होता क्या है? आपको मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि plants कौन से form में अपना food prepare करते हैं, glucose। वो food उनका जो बनता है वो होता है glucose। इस glucose का कुछ part तो वो अपनी growth में use ले लेते हैं और जो rest of the part होता है, बचा हुआ जो part होता है वो चला जाता है fruit, vegetable, leaves बनाने में। देखिए ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें आपका ये ग्लूकोज का कुछ पार्ट तो वो ग्रोथ के यूज में ले लेते हैं ग्रो कर लेते हैं और कुछ पार्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट यूज में लेते हैं फॉर मेकिंग फ्रूट वेजिटेबल्स। इसमें स्टोर हो जाता है ग्लूकोज का कुछ पार्ट स्टार्च के रूप में एज स्टार्च, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू सम क्रोटोन्स अपीयर डार्क रेड इन कलर। क्रोटोन जो है डार्क रेड इन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड, रेड पिगमेंट। इसमें होता है रेड पिगमेंट, इसे बोलते हैं कैरोटीनॉइड। ठीक है, फिर है आपका, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ, डिस्क्राइब वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच पार्ट। लीफ के जो पार्ट हैं, आपको आपने लीफ जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था चैप्टर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके पार्ट्स को राइट करना है, डायग्राम बनाना है और इनको डिस्क्राइब भी करना है कि कौन से पार्ट का क्या वर्क है, क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, ये भी हमने लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स तो एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन ब्रीथिंग में जो यूज़ लेते हैं हम लोग, और प्लांट्स के लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ डिक्रीजेस। यदि अर्थ पे एनिमल्स ही ख़त्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो फिर क्या होगा? प्लांट्स के लिए जो है इनफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। द प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। तो प्लांट्स का खाना नहीं बन पाएगा, तो प्लांट्स भी सारे फिनिश हो जाएंगे इस अर्थ पे से, ठीक है। तो ये आपके लेट्स राइट 6 का सॉल्यूशन है, आपको नोटबुक में राइट करके हमें सेंड करने हैं। अब है डिस्कस एंड शेयर। डिस्कस एंड शेयर में आपको क्या दिया हुआ है, नीना वेक्स अप। अब इसमें थोड़ी सी, ये नीना है, ये देखिए पिक्चर, नीना है, ये इसकी ग्रैंड मदर है। ये एक कन्वर्सेशन चल रहा है नीना और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में प्लांट को लेके, कि क्या बोल रही हैं। नीना वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड सीज हर ग्रैंड मदर कीपिंग द प्लांट पॉट्स आउटसाइड इन द सन। जो नीना की ग्रैंड मदर है वो प्लांट्स को लेके, प्लांट्स के पॉट को लेके और सन में, सन की रोशनी में रख रही है। तो नीना
क्यूरियस हो रही है इस चीज़ को लेके, वो पूछ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ग्रैंड मदर उसे एक्सप्लेन कर रही हैं कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है सनलाइट। क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि सनलाइट के बिना जो प्लांट्स है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही है, आप इसे रीड करेंगे। फिर आपका वी केयर, डिस्कस एंड शेयर हो गया हमारा, डिस्कस एंड शेयर। अब है आपका वी केयर टॉपिक में आपको क्या दिया हुआ है? पीपल ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो पीपल का ट्री है वो सबसे बेस्ट क्यों माना गया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें पीपल ट्री से ही मिलती है। ये बहुत बड़ा होता है। इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन अवर कंट्री। आप कंट्री में देखेंगे कि ये आपको सभी जगह दिखाई देगा, पीपल का ट्री। दिस ट्री हैज़ ए वेरी लॉन्ग लीफ एज कम्पेयर टू द अदर कॉमन ट्रीज। इसकी जो लीफ होती है वो भी लॉन्ग होती है दूसरे ट्रीज के कंपैरिजन में, और ये हार्ट शेप होती है। पीपल की जो ट्री होती है वो होती है हार्ट शेप में, इस तरह। ठीक है, हार्ट शेप में होती है इस तरह की। प्लांट गिव्स मोर ऑक्सीजन, और ये आपको पता है ये ज़्यादा ऑक्सीजन देती हैं, हेल्प मेंटेनिंग क्लाइमेट, और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अपने एनवायरमेंट को वो बनाए रखते हैं ऑक्सीजन देके। जो सॉइल की क्वालिटी है उसे भी इम्प्रूव करते हैं ये। इस तरह से आपको पीपल का ट्री का एडवांटेज बताई गई है कि क्या क्या फ़ायदे हैं पीपल के ट्री से। ठीक है चिल्ड्रन, तो अब रेनी सीजन भी आ चुका है, तो चिल्ड्रन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बहुत सारे प्लांट्स लगाएं अपने घर में, घर से बाहर भी लगाएं, चारों तरफ आस पड़ोस में भी लगा के आएँ। तो प्लांट्स जितने ज़्यादा ग्रो करेंगे हमारे एनवायरनमेंट का, हमारा एनवायरनमेंट उतना ही अच्छा होगा, क्लीन होगा, और ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिल पाएगी। ठीक है चिल्ड्रन, इसलिए आप ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। जो क्वेश्चन आंसर्स की PDF है वो हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।